तो इसी बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से, जहां एमबीएम कॉलेज पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। एमबीएम कॉलेज का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निरीक्षण किया और जियोलॉजी लैब का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण भी किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छात्रों से इस दौरान संवाद भी किया। तो एमबीएम कॉलेज पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जियोलॉजी लैब गए, छात्रों से संवाद किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एमपी सरकार ने सबसे पहले 2020 में इसको लागू किया था, तो पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री एक्सेलेंस कॉलेज की घोषणा की गई है। हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सेलेंस कॉलेज खुलेंगे। पहली कैबिनेट बैठक में इसको लेकर घोषणा की गई थी। शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सेलेंस कॉलेज खोलने की घोषणा उन्होंने की थी। यशस्वी प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति लागू की है और नई शिक्षा नीति को मध्यप्रदेश सरकार ने सबसे पहले लागू की थी 2020 में, और उसी के क्रियान्वयन को लेकर के हमने अब नई प्रधानमंत्री के नाम पर पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री एक्सेलेंस कॉलेज की घोषणा भी की है और ये प्रत्येक जिले में खोला जाएगा, ये नीतिगत निर्णय हमने लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हर महाविद्यालय या पूरे शैक्षणिक जगत में नए एक्सेलेंस कॉलेज खोले जाने का स्वागत किया है शिक्षा जगत में, और मुझे इस बात का भी संतोष है कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर के जो जागृति आना चाहिए वो हमारे अपने धीरे धीरे सभी महाविद्यालय के जगत में आई है, और उम्मीद कर रहे हैं कि इस नाते से जो हमारा खास करके दुनिया के सबसे युवा देश भारत है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी युवाओं को योग की शिक्षा मिले। तो मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले 2020 में ही नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया था और पहली कैबिनेट में ही प्रधानमंत्री एक्सेलेंस कॉलेज खोलने की घोषणा नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से की गई है।